दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन जरूर दबाइए। हमारे चैनल का नाम है खानदेश फन। थैंक यू दादा। मेरे को मेरे डार्लिंग ने ये फोटो भेजी। हाँ तो उसके ऊपर इंग्लिश में कुछ लिखा है। हाँ तो मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा कि फोटो पे इंग्लिश में क्या लिखा है। अरे तो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के वास्ते यू डिक्शनरी ऐप है ना। यू डिक्शनरी ऐप? ये कौन सा ऐप है दादा? अरे यू डिक्शनरी ऐसा ऐप है कि दुनिया के कोई भाषा तू हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता। देख, पहले नोटिफिकेशन एरिया में कैमरे को ऑन करने का और गैलरी में जाके फोटो को सिलेक्ट कर लेने का, फिर जो फोटो पे लिखे ने उस एरिया को सिलेक्ट करने का और ये बटन दबाने का। देख आगे उसका पूरा मतलब हिंदी में। अरे वाह वाह वाह, अरे क्या बारी आपके दादा। अरे बात सुन, यू डिक्शनरी ने नया फीचर बनाया है, इसके इस्तेमाल से इंग्लिश सीखना और आसान हो गया है। ऐसा क्या? वो कैसे? हम जब भी स्क्रीन लॉक खोलते ना तो हमको एक नया इंग्लिश वर्ड सीखने को मिलता। खाली इस पे क्लिक कर दे, ये ले उसका मतलब नीचे हिंदी में आ गया। अरे वाह क्या बात है दादा, ये ले मेरे मोबाइल में भी यू डिक्शनरी ऐप डाउनलोड कर ले। दोस्तों अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हो या इंग्लिश में लिखी हुई किसी बात का मतलब समझना चाहते हो तो अभी यू डिक्शनरी ऐप डाउनलोड करो, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई। लीडरी का भूत चढ़ने से पहले ही सपना टूट गया। भाई लोग, ये सियासत हम जैसों के बस की बात नहीं है, इससे दूर ही रहना। राधा, अब मैं मेहनत करूँगा, मैं काम करूँगा राधा, मैं पैसे कमाऊंगा। सच? हाँ। That's a good boy. दिल तो अभी भी रोई रो कर रहा, क्या करूँ यार, पर दिल तो मेरे को अभी भी भरे भरे लग रहा है। मेरे को थोड़ा रो के जी को हल्का कर लूँ क्या यार? अरे यार नहीं रोता, कभी राधा ने देख लिया ना तो मेरा मजाक उड़ाई नहीं। मैं बाहर जाकर कोई भी कोने काबरे में रो के ना मन को हल्का कर लेता। बात कर रहा तो बराबर आ रही, रो रहा तो मोटी आवाज कैसे आ रही? नहीं यार ये मेरी आवाज नहीं है, कोई और रो रहा। हाँ इधर से आवाज आ रही, जब तक कौन रो रहा? क्या है बाबू लोचा? क्या है बे? तू रो रहा? पर क्यों रो रहा? अबे मैं बर्बाद हो गया छोटू, मैं लूट गया यार भैया, मैं तो रोड पे आ गया, क्या बोलूं तेरे को यार। ऐसा क्या हो गया कि तू बर्बाद हो गया? अबे मैं इलेक्शन हार गया, हार गया मैं इलेक्शन यार छोटू। अबे इलेक्शन हार गया? अबे इलेक्शन तो मैं हारा ना, तू तो जीत गया था ना, बर्बाद तो मैं हो गया। अबे तू कहाँ खड़े हुआ था रे इलेक्शन में? बोले मैं हार गया, तू कहाँ खड़े हुआ था भाग? अबे तेरे सामने मैं तो खड़ा था इलेक्शन में, मेरी निशानी पलंग थी, याद आया क्या? अबे जा तो यहाँ से, तसल्ली देने का तो दे मेरे को, ना तो निकल यहाँ से। एक तो मैं मेरा जी हल्का करने आया यहाँ पे, तो अलग ही काम में वादा कर रहा, बोले तू हारा मैं हारा कर रहा। मैं बोल रहा ना मैं हारा इलेक्शन तेरे सामने, अबे मेरी तो जमानत भी जब्त हो गई ले। You go boy। अबे एक वोट नहीं मिली मेरे को, मेरी औरत ने खुद तेरे को वोट दी, और तो और मेरी वोट भी किसी ने तेरे को दे दिया। साला लो
बटन दबाते थे मेरे नाम का और गिरती थी तेरे नाम पे। साले तूने ईवीएम मशीन में भी गड़बड़ करके रखा था। अबे तूने कोई सपना उपना तो नहीं देख लिया बे छोटू? अरे तू सपना ही देखा ना मैंने, मैं सपने में हार गया था तेरे से इलेक्शन। अबे तू सपने में हारा मगर मैं हकीकत में हार गया इलेक्शन। तू सही में हार गया इलेक्शन? अरे रे रे मेरे को तो बहुत दुख हो रहा तेरे हारने पे। अरे मैं सपने में हारा तो मेरे को इतना दुख हो रहा, मेरा जी निस्तर रो रो कर रहा। तू तो सच्ची में इलेक्शन हार गया, तेरे को तो कितना दुख हो रहा है ना बा। एक काम कर बा, तू खुल के रोले, जी भर के रोले, तेरा मन हल्का हो जाएगा बा, रोले। अरे भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ? रोले बा, रो रोले। बर्बाद हो गया छोटू, मैं कसम से यार मेरी गाड़ी बिक गई, मेरा घर बिक गया भैया, मैं तो रोड पे आ गया यार। मैं सोने के चैना कितने पहनता था मोटे मोटे वाले, मैं सब बिक गए, सब बिक गया मेरा भैया छोटू। पर बाबू तू कैसे हार गया रे इलेक्शन? अबे तेरी काली जबान की वजह से हारा मैं साले। मेरी काली जबान? मैंने क्या करा? तू बोलता था ना मेरे को हमेशा कि तेरी जमानत भी जब्त हो जाएगी। अबे मेरे को किसने भी वोट नहीं दिया भैया, और यकीन मान भैया जब जैसे मैं इलेक्शन हारा ना, मेरे जितने वर्कर जितने दोस्त थे ना सब छोड़ के भाग गए मेरे को। पूरे गांव में मुझे तेरा ये कंधा ऐसा नजर आया ना भैया जिसमें मैं सिर रख के रो सकता था, इससे मैं तेरे पास आ गया छोटू। छोटू मेरे भाई। अरे बस कर यार बाबू बस कर, ये होते रहता। चल तो उठो, चाय पानी करते अब। चलो सही में? हाँ चल चल ठीक है। अरे जान दो बाबू भाई, जो हुआ सो हुआ, ये सब होता रहता। अभी आगे का क्या सोचे हुए बताओ? आगे क्या सोचना यार छोटू, मुझे तो आगे खाई और कुआं ही दिख रहा खाली। ऐसा जी हो रहा कि यार जाके ना अपनी जान दे देना कुएं में कूद के कसम से। अरे क्या बुजदिलों से ऐसा बात कर रहे बाबू भाई, मैं तुम्हारे कोई काम आ सकता क्या तो ये बोलो। हाँ ना तू आ सकता, मेरे बहुत काम आ सकता छोटू, बहुत काम आ सकता तू। बोलो फिर क्या करूँ तुम्हारे रास्ते, ये बता। तू मेरा गल्ला दबा के मार डाल, मेरे को मार डाल साला, किस्सा ही खत्म कर मेरा। क्या बाबू भाई तुम्हारे जैसे आदमी ऐसी बातें कर रहा, मरना तो एक दिन सबको है ना, तो जीने की बातें करो। जान है तो जान है, फिर कमा लेंगे पैसे। ए राधा लाना चा। हाँ लाई। दे बाबू भाई कुछ है। थैंक यू बाबू जी। क्या जी, मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना तुम दोनों मिलके कुछ काम धंधा शुरू कर दे। भाभी कसम से तुमने मेरे मेरे मुंह की बात छीन ली भाभी, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं छोटू के साथ ही मिलके कोई धंधा करूं, क्योंकि छोटू से ज्यादा ईमानदार दोस्त मुझे कोई मिल ही नहीं सकता। भाभी बहुत अच्छी बात बोले भाभी तुमने। अरे पर अपन करेंगे क्या बाबू है? अरे करने के लिए बहुत कुछ है इस दुनिया में। अरे छोटू करने के लिए धंधे बहुत है दुनिया में, बस मुझे तेरे जैसे ईमानदार दोस्त की जरूरत थी। चल ऊपर वाले का नाम लेके कुछ अच्छा सा धंधा शुरू करते अपन, क्या बोलता? हाँ ठीक है बाबू भाई, करते कुछ धंधा। राजा आता मैं, चलो बाबू भाई। हाँ चल। देख छोटू तू भी खोटा है, मैं भी खोटा हूँ, गांव में अपन दोनों भी बदनाम है, अपने ऊपर कोई भी आदमी भरोसा नहीं करेगा, समझा ना, क्योंकि अपने गांव में लोचे इतने ज्यादा है। हाँ ये बात तो सही है, अगर अपन ऐसा सोचेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे फिर। करेंगे ना, जरूर करेंगे। क्या करेंगे बोल? खोटा धंधा।
खोटे लोगों के साथ। मतलब? देख मेरे पास ना इस शहर के कम से कम 8 से 10 सेठिया लोगों के नामों की लिस्ट है जो साला कोई ना कोई खोटे में या कोई ना कोई लोचे में इन्वॉल्व है। हाँ, तो ऐसे सेठिया लोगों को हम फोन करेंगे और फोन करके बोलेंगे कि हमको पैसा मांगता है। काय का पैसा? अबे उनके लोचों को दुनिया से छुपाने का पैसा, उनकी इज्जत को दुनिया के सामने लुटने से बचाने का पैसा। अच्छा, वो सेठ लोग ये सुन के अपनों को पैसा दे देंगे? देना ही पड़ेगा भिड़ो, वो सालों के लोचे ही इतने बड़े बड़े है। अच्छा, तो उनको फोन कौन लगाएगा? तू। और किसके फोन से फोन लगाऊंगा मैं? तेरे फोन से। और उनसे पैसा कौन मांगेगा? तू। और हमको पैसा कैसे मिलेगा? पैसा तो मेरे अकाउंट में आएगा ना। पैसा? उनको फोन करूंगा मैं, पैसे मांगूंगा मैं, और पैसे आएंगे तेरे अकाउंट में, और मेरे फोन से फोन भी लगाएंगे अपन, तो फिर मुझे कब मिलेंगे पैसे? अरे तो जब सबसे वसूली हो जाएगी ना तो अपन एक जगह बैठ के आधा आधा कर लेंगे अपना अपना हिस्सा। जितना पैसा तेरे हिस्से में आएगा वो तू ले लेना, जो पैसा मेरे हिस्से में आएगा वो मैं ले लूंगा। ये सारे काम तू मेरे से करा रहा है, और तू बैठ के खाली नोटा भी लेगा क्या? और कुछ लफड़ा हुआ तो मैं फंसूंगा ना अकेला? अरे ठीक है, मगर अकाउंट नंबर तो मेरा ही जाएगा ना। फंसूंगा तो मैं भी ना यार, कैसी बात कर रहे तू? चल ठीक है, वो सब छोड़ यार, कोई भी बात को ना हमेशा पॉजिटिव सोचने का, निगेटिव नहीं, समझा ना? चल अभी फटाफट फोन निकाल और काम शुरू करते है। लगा फोन, मैं देखो नाम देता हूँ उनके। बोल नंबर बोल। ले पहला नंबर लिख, ये है मोटा भाई। क्या लोचा इसका? ये साला 4 बच्चों का बाप है, लेकिन इसका चक्कर जो है ना खड़की दसाना की रिंकू भाई से चल रहा है। लगा उसको फोन। हाँ नंबर लिख उसका, 92। हेलो। हेलो कौन? खड़की दसाना की रिंकू भाई मिली थी मुझे कल। तेरी बहुत तारीफ कर रही थी वो। खड़की दसाना की रिंकू भाई? याद दिलाने के वास्ते उसके साथ वाले फोटो भेजूंगा तेरे को। फोटो? वो वीडियो भी है मेरे पास, जब मोटा भाई रिंकू भाई के साथ डिंग डांग कर रहा था। ज्यादा शाला बन रहा है तेरे, अब भी 50,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर। 50,000? तो 1 घंटे के बाद सारे सोशल मीडिया पे तेरे फोटो एंड वीडियो वायरल कर दूंगा। ऐसा मत करो ना मोटा भाई। अरे मैं मोटा भाई नहीं, छोटा भाई बोल रहा हूँ, छोटा भाई। अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, फटाफट पैसे डाल उसमें। ठीक है मोटा भाई, मेरा मतलब छोटा भाई, आप अपना अकाउंट नंबर मेरे को सेंड कर दो, मैं पैसा भेजता है। हाँ चल रख। ठीक है रखता है। रिंकू 50,000 में पड़ी तुम को। अकाउंट नंबर सेंड कर उसको। हाँ रुक जा, करता हूँ। ये कर दिया, मेरा अकाउंट नंबर मोटा भाई को सेंड कर दिया। अभी देख 10 मिनट में पैसा अपने अकाउंट में गिर जाएगा। हाँ एक नंबर और डायल कर। ये है सेठ चौरंगी लाल दो मुखिया। इसका क्या लोचा? इसका लोचा तो बहुत ही अजीब है भाई। ये क्या करता है मालूम? डेली रात को उठता है और घर के बाहर लोगों के जो कपड़े सूखते है ना वो सारे चोरी कर लेता है और उसको चिंदी करके बेचता है। बहुत बड़ा लोचेबाज है ये, चिंदी चोर बोलते हैं इसको गांव में। नंबर बोल उसका। देख इसका नंबर है 9322। लगा फोन। हाँ हेलो। क्या रे चिंदी चोर? अरे अबे कौन है? अबे जिस पे बात कर रहा हूँ मोबाइल फोन है। हाँ तो लोगों के कपड़े चुरा के चिंदे करके बेचता ना रे तू? क्या रे जो जो घरों के कपड़े चुराए लेना तूने, सबकी वीडियो शूटिंग है मेरे पास, साफ साफ दिख रहा सब वीडियो में। तू डालोगे व्हाट्सएप ग्रुप पे? क्या रे चिंदी चोर, कितने पैसे होने भाई तुमको? 25,000 अभी के अभी डाल मेरे अकाउंट में। ठीक है भाई, तुम्हारा अकाउंट नंबर सेंड कर दो मुझे। करता सेंड। चल रहा फोन। ए इसको भी अकाउंट नंबर सेंड कर दे रे। क्या बात है यार छोटू, तो सलत तू ये मामले में तो मेरा भी बाप निकला यार। अरे अपना इसी रहता। क्या बात है, क्या डेयरिंग से बात करता है बॉस, आई लाइक इट यार। छोटू दादा इसी थोड़ी बना मैं, चलना दूसरा नंबर दे। We'll be right back.
ये एक आखिरी नंबर है, ये बंदा साला टेढ़ा है थोड़ा सा, ठीक है ना, उससे जरा हिसाब से बात करना है। अरे कितना भी टेढ़ा रहने दे, पर मैं भी बहुत टेढ़ा है, इसके घर में घुस के मारूंगा उसको। हाँ चल ठीक है, लगा फोन उसको। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सुल्तान मुल्तानी। इसका लोचा क्या है? किडनैपिंग। वो तो फिर मेरे को भी उठा सकता। नहीं नहीं नहीं, वो इतना भी टेढ़ा नहीं है, लगा उसको फोन। बोल नंबर। लिख नंबर उसका। हेलो। क्या रे सुल्तान, कितना कमाया रे महीने में और कितना को उड़ाया तूने? तेरे याद नहीं तो मैं बताता, तेरे सारे कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। भाई आप कौन बोल रहे? छोटू दादा बोल रहा मैं, छोटा सुल्तान। बोलो ना भाई, क्या खिदमत करूँ आपकी? लाख रुपए अभी ट्रांसफर कर हमारे अकाउंट में। लाख? कितने लाख भाई? 5 लाख बोल उसको, 5 लाख। 5 लाख बोल रहा, 5 लाख। इतना पैसा अकाउंट में एक साथ नहीं डाल सकता ना भाई, आप एक काम करो ना भाई। बोल। आप मेरे फार्म हाउस पे आ जाओ, मैं कैश दे देता हूँ। फार्म हाउस पे बुला रहा हूँ, चला रहा हूँ भाई, पैसे तैयार रख। आ जाना भाई, मैं इंतजार कर रहा हूँ। चल बाबू। हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना। चैनल का नाम है खांडे खांडे सदा।